हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में। वैसे तो ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए, जैसे कि हम खून के रिश्ते भी कहते हैं, तो अगर इसकी बात की जाए तो हर एक एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, हम RRB जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो ग्रुप डी का, उसके लिए हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ब्लड रिलेशन आप समझ सकते हो इस चीज़ का मतलब क्या है, खून के रिश्ते जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो। तो ब्लड रिलेशन मतलब आपके फैमिली से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जैसे कि आपके मदर फादर हो गए, ठीक है, आपके मम्मी पापा के माँ बाप जो हो गए, ठीक है, या उनके बच्चे आगे, ठीक है, या आपके बच्चे, और फिर उसके बाद आपके बच्चों के बच्चे, मतलब ये लगा लो कि जो पुश्तें चली आ रही हैं, है ना, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फादर के बच्चे, उनके बच्चे, तो इन सब का जो रिलेशन होता है, जो आपस में क्या होता है, किसी, आप कह सकते हो किसी रिचुअल से जुड़े होते हैं, शादी हुई होती है उनकी, और उस तरीके से जो रिश्ते आगे बढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खून के रिश्तों के नाम से जाना जाता है उन्हें। तो ब्लड रिलेशन को समझने से पहले, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आपको पता होंगी, लेकिन अगर नहीं भी पता तो एक चीज़ एक बार आप उस चीज़ को देख लो ज़रूर से, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो है, मदर्स या फादर का बेटा, मदर्स और फादर्स सन, आपके माँ बाप, माँ या बाप का बेटा कौन हो सकता है, आप खुद सोचो। आपके माँ या आपके पिताजी के का बेटा अगर है तो वो कौन हो सकता है। माता पिता का बेटा अगर एक बेटा है तो वो आप ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। या हो सकता है अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो आपको क्या होगा, भाई होगा, बहन तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बेटे की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि माता या पिता का बेटा क्या होगा, या तो आप खुद होगे या तो आपका भाई होगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट, मदर्स और फादर्स डॉटर, माता या पिता की पुत्री, माता या पिता की पुत्री कौन हो सकता है, या तो अगर आप एक लड़की हो तो आप होगे खुद, ठीक है, और या फिर क्या होगी उसकी, उनकी पुत्री क्या होगी, या तो आपकी बहन हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, मदर्स और फादर्स ब्रदर, माता या पिता के जो भाई होते हैं वो क्या होंगे, आपके क्या लगेंगे, आपके ऑब्वियस सी बात है वो आपके अंकल लगेंगे, आपके चाचा लगेंगे। आप अगर आपके पिता के भाई हैं तो आपके चाचा लगेंगे, अगर आपकी माँ के भाई हैं तो वो आपके मामा लगेंगे, ठीक है, इतने रिश्ते आपको पता होंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हम नॉर्मली क्या करते हैं, उनको अंकल के नाम से डिनोट कर दिया जाता है, मामा चाचा यहाँ पे नहीं देखा जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश में देखें तो उनको क्या आप बुलाओगे, माता पिता के अगर कोई भाई है तो उनको आप अंकल बोलोगे, ठीक है। उसी तरीके से माता पिता की जो सिस्टर होगी वो क्या होगी, आपकी आंटी होगी, ठीक है, या कह सकते हो आंटी होगी, माता या पिता की बहन, ठीक है, आंटी ही होगी। अगर पिता की बहन है, ठीक है, तो आपकी बुआ लग सकती है, लगेगी, लगे लग सकती नहीं है, बुआ लगेगी। अगर माता की बहन है तो वो आपकी मौसी लगेगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखा जाए तो उसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, आंटी के नाम से बोल देते हैं कि हाँ ये आंटी है, ठीक है, माता या पिता की जो बहन होगी वो क्या होगी, आंटी होगी। उसके बाद मदर्स और फादर्स फादर, माता या पिता के पिता, माता या पिता के पिता, अगर पिता के पिता हैं तो आपके दादाजी लगे, जिन्हें हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी माता जी के पिता हैं तो वो हमारे नाना लगते हैं, हिंदी में हम उन्हें नाना बोलेंगे, या अगर इंग्लिश में बात करें तो दोनों को हम एक ही नाम से डिनोट करेंगे, ग्रैंडफादर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, उसी तरीके से मदर्स और फादर्स मदर, माता या पिता की माता क्या होंगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। सन्स वाइफ, ठीक है, जो बेटे की पत्नी होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं, आपके पिता के बेटे आप खुद, और आपकी पत्नी क्या लगेगी, उनकी बहू लगेगी, ठीक है, वधू जिसे बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको इंग्लिश में आप डॉटर इन लॉ के नाम से कह सकते हो, ठीक है, डॉटर इन लॉ आपकी बहू हो गई, आपके पिताजी की बहू, ठीक है, आपकी वाइफ। और इसी तरीके से जो सन्स, सन्स वाइफ का हमने देख लिया, डॉटर्स हस्बैंड, अगर पुत्री का पति है तो पुत्री का पति क्या लगेगा, दामाद, जिसे कि सन इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट, हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है उनकी जो बहन होगी वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है, हस्बैंड या फिर वाइफ की जो सिस्टर होगी वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। हस्बैंड या वाइफ का जो ब्रदर होगा वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रदर्स का जो सन होगा उसे हम नेफ्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रदर की जो डॉटर होगी, ठीक है, भाई की जो पुत्री होगी उसे हम नीस कहते हैं, ठीक है, नीस। और अंकल या फिर आंटी या फिर
अंकल या आंटी का जो की जो बेटी या आप कह सकते हो बेटा, वो आपके कजन्स लगेंगे। कजन्स को हम क्या कहते हैं, भाई बहन ही होते हैं, लेकिन आपके रियल भाई बहन नहीं होंगे। कजन का मतलब समझिएगा, कजन अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कजन का मतलब होता है आपके किसी भी रिश्तेदार के बच्चे, ठीक है। माँ बाप को छोड़ के किसी भी रिश्तेदार के बच्चे आप क्या होंगे, आपके कजन लगेंगे, ठीक है। आपके अंकल हों चाहे इधर, मतलब चाचा के बच्चे हों, ठीक है, आपके मौसी के बच्चे हों, आपके बुआ के बच्चे हों, आपके चाचा हो गया, बुआ हो गया, मौसी हो गया, मामा, मामा के बच्चे, ये सारे लोग आपके क्या लगेंगे, कज़न लगेंगे, भाई बहन होते हैं ये। कज़न्स मतलब हो गया भाई बहन का ही नाम है, लेकिन ये आपके सगे भाई बहन नहीं होते, आपके रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है, ब्रदर्स वाइफ, भाई की जो वाइफ होगी वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है। इन रिलेशंस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आप पहले समझ लो। देखो होता क्या है, ब्लड रिलेशन में एक चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्लस डिनोट कर रहे हैं तो ये हम किसके लिए, मेल के लिए यूज़ करेंगे। मेल मतलब आप कह सकते हो बॉय के लिए, मतलब कोई आदमी है, कोई लड़का है, तो उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर माइनस हमने लिख दिया, यानी कि ये किसी लेडी के लिए डिनोट किया जा रहा है, यानी कि या तो कोई फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल, या फिर गर्ल के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और जो मेल होते हैं, आदमी जो होते हैं, या लड़कों के लिए हमेशा हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको, इस चीज़ को देखो एक बार, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो हो गया वो बॉय के लिए, माइनस जो हो गया वो गर्ल के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर बोलता है कि ए बी क्या है, ए बी का भाई है, ए क्या है, भाई है, किसका है, बी का, बी का भाई है, तो भाई बहन के जो भी रिश्ते होंगे वो डैश डैश करके हम दिखा देंगे कि एक ही लाइन में, कि वो एक ही पीढ़ी के लोग हैं, एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में डिनोट करते हैं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे कि ए क्या है, बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए क्या है, भाई है बी का, यानी ए के ऊपर क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि ये भाई है। भाई क्या होता है, लड़का होता है, और लड़के के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब बोल दिया जाए सी जो है बी की माता है। अब माता क्या होगी, माता तो क्या होगी, सबसे पहले क्या आते हैं, एक बात बताओ, सबसे पहले दादाजी आएंगे, ठीक है। दादाजी के बाद आएंगे आपके, मान लीजिए पापा आ जाते हैं, पापा के बाद आप आ जाओगे, ठीक है, आप आ जाओगे, आपके बाद आपके बच्चे, ठीक है, आपके बच्चे, क्लियर है बात, ये चीज़ होगी। अब दादी कैसे डिनोट करोगे, दादी जो होंगी वो डबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। दादी का जो दादाजी के साथ रिश्ता होगा, पति पत्नी का होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, डबल डैश से यहाँ पे डिनोट करेंगे। पापा और मम्मी का रिश्ता कैसे होगा, पापा और मम्मी का रिश्ता भी डबल डैश से दिखाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पति पत्नी हैं, तो ये बराबर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, पति पत्नी के लिए यूज़ किया जाता है। आप हैं आपकी पत्नी, आपकी पत्नी कोई भी एक्स वाई जेड जिसको आप अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। आपके बच्चे, आपके बच्चों के जो आगे जो भी स्पाउस होंगे, ठीक है, हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, वाइफ होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनको डबल डॉट से, डबल डैश से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखो आप कि आप हैं आपके बच्चे, अगर मान लेते हैं आपके दो बच्चे हैं, तो आपके जो दो बच्चे होंगे उसको आप कैसे लिखोगे, आपके जो दो बच्चे होंगे, मान लेते हैं एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, तो ए और बी दोनों आपके बच्चे हैं, इसको हम सिंगल डॉट से, सिंगल डैश से डिनोट करेंगे। सॉरी, मेरे मुंह से डॉट निकल जा रहा है, सिंगल डैश से डिनोट करेंगे। अगर ए क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ए लड़का है, बी क्या है, ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ बोला था ए बी का भाई है, ध्यान से समझिएगा, ए बी का भाई है, ए तो भाई है, लेकिन बी क्या है, बी लड़का है या लड़की है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर तो बी लड़की है तो हम क्या करेंगे, बी क्या हो गई, ए की बहन हो गई, और बी के ऊपर माइनस का साइन लग जाएगा। क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये क्या है, गर्ल है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है।
तो इसी तरीके से अगर बोला जाए कि डी जो है वो ए का भाई है, डी जो है ए का भाई मतलब प्लस है, यानी कि डी ए का भाई है तो डी ऑब्वियस सी बात है बी का भी भाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैरेलल रिलेशन है, यानी कि डी ए बी आपस में तीनों क्या है भाई बहन है, एक जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ये चीज़ें देख ली हैं, ये चीज़ें समझ ली हैं, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देखेंगे क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं इसके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर नया टॉपिक है आपके लिए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप ढंग से चीज़ों को देखते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बी और सी का भाई ए है, बी और सी का भाई ए है, बी और सी का भाई ए है, भाई कौन है, ए है, ए क्या है भाई है, भाई मतलब प्लस, किसका है भाई, बी और सी का, बी और सी का भाई ए है। यहाँ पे बी सी का जेंडर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए का जेंडर बताया हुआ है कि ए तो भाई है लेकिन बी हो सकता है लड़का हो सकती है, लड़का हो सकता है ए, बी लड़की भी हो सकती है, सी लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बी और सी का जेंडर हमें नहीं पता। अब सी की माँ डी है, सी की माँ डी है, ठीक है, माँ है तो ऑब्वियस सी बात है जनरेशन क्या होती है, ऐसे चलती है, ठीक है, नीचे पहले बच्चे होंगे, फिर माँ बाप होंगे, फिर दादा दादी होंगे, फिर दादा दादी के माँ बाप होंगे, तो इस तरीके से सीरीज चलती है। तो डी क्या है, सी की माँ डी है, सी की माँ डी है, डी क्या है माँ है, माँ क्या है फीमेल है, फीमेल मतलब औरत है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब ए के पिता ई है, ए के पिता ई है, पिता मतलब मेल, मेल मतलब प्लस, क्लियर है बात। जब ए बी सी तीनों भाई बहन है या भाई हैं कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बी और सी का हमें जेंडर नहीं पता, ये इसका पिता डी इसकी माता, तो ऑब्वियस सी बात है डी और ई क्या होंगे, आपस में पति पत्नी होंगे, ठीक है, तभी तो इनके बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो अब तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा, पहला है ई का पुत्र बी है, यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है, ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है, बी बच्चा तो है इनका लेकिन क्या ये पुत्र है, पुत्री भी तो हो सकती है, क्योंकि हमें तो जेंडर पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या हो गया गलत है, यानी कि इसमें गलत पूछ रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस या माइनस जेंडर का नहीं पता है, और यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास लिख दिया गया है कि ई का पुत्र बी है, बी क्या है पुत्र नहीं पता, पुत्री नहीं पता, तो कैसे आप लिख दोगे भाई पुत्र है, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा, तो ए क्या है निश्चित रूप से सही नहीं होगा, यानी कि ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, एक व्यक्ति है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट बोली जाती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, किससे कहा, नेहा से कहा, रोहित ने नेहा से कहा, ठीक है, एक लड़का रोहित हो गया, एक लड़की नेहा हो गई, और किसी व्यक्ति की तरफ, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करके रोहित नेहा से कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, सबसे पहले नेहा को पकड़ लो तुम, नेहा से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की, मतलब नेहा के पिता की, नेहा यहाँ हो गई, नेहा के पिता मतलब फादर, फादर मतलब मेल, मेल मतलब प्लस, ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, नेहा, नेहा के पिता की इकलौती पुत्री नीचे आएगी, ठीक है, नेहा के पिता, पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री बोल रहा है यहाँ पे, यानी कि खुद नेहा की बात हो रही है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि नेहा के अलावा कोई और पुत्री है, नेहा के अलावा कोई इनकी पुत्री ही नहीं है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री नेहा, और क्या है,
उसकी माँ, कोई बच्चा है या आप कह सकते हो व्यक्ति, वो व्यक्ति है जिसकी तरफ इशारा करके ये बात कही जा रही है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री नेहा और किसकी माँ है, उस व्यक्ति की माँ है। तो पूछा जा रहा है तो नेहा का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, नेहा का व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। मतलब ये चीज़ पूछी जा रही है, नेहा पहले है व्यक्ति बाद में है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, नेहा का उस व्यक्ति से संबंध पूछ रहा है, व्यक्ति का उस नेहा के साथ संबंध नहीं पूछ रहा है, दोनों में फ़र्क है। नेहा का व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, नेहा क्या होगी इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, नेहा क्या लगेगी इसकी, माँ लगेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। ठीक है, सुरेश है किसी आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, उसका इंट्रोडक्शन करा रहा है किसी के साथ, और क्या कह रहा है, वह उस स्त्री का पुत्र है। कोई आदमी जो है वो उस स्त्री का पुत्र है। पहला सेंटेंस जो है आप पहले भूल जाओ, ठीक है, पहला सेंटेंस भूल जाओ, उसको बाद में जोड़ेंगे। पहले किसकी बात कर रहा है, जो मेरी माता के पति की माता है। बात समझिएगा, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है। किसकी बात कर रहा है, उस आदमी के बारे में बात कर रहा है कि वो आदमी जो है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, या मेरी माता मतलब जो सुरेश है उसकी माता, माता मतलब माइनस, ठीक है, वह मेरी माता के पति की माता, उसका पति ये और पति की माता ये। क्लियर है बात यहाँ तक, सुरेश वाली जो लाइन है वो समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से देखिए, जो मेरी माता मतलब सुरेश की माता, माता जो है माता के पति, ठीक है, डबल साइन, और उसके बाद पति की माता एक जनरेशन और ऊपर, और उसी का पुत्र है। किसका पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है, इस स्त्री का पुत्र कौन हुआ, ये आदमी, यानी सुरेश का पिता। तो सुरेश का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, सुरेश ये रहा और आदमी ये रहा, पूछा जा रहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश क्या लगेगा इस आदमी का, जो चीज़ पहले पूछी जाती है उसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सुरेश का संबंध क्या है, सुरेश क्या लगेगा उसका, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, चाचा हो गया, पुत्र है, तो सुरेश क्या है, पुत्र लगेगा, ठीक, बेटा ही तो लगेगा। आप एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पुत्र मतलब बेटा ही लगेगा। क्लियर है बात, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आप देखो इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, समझ में ज़रूर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है ए और बी बहने हैं। यहाँ पे एक चीज़ साफ बताई गई है कि ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें हैं, यानी ए की बहन बी है, बी की बहन ए है, दोनों क्या हैं, लड़कियाँ हैं, दोनों क्या हैं, औरतें कह लो, लड़कियाँ कह लो, ठीक है, ए और बी दोनों क्या हैं, बहनें हैं। आर और एस भाई हैं, ठीक है, आर और एस जो हैं वो क्या हैं, भाई है। अभी हमें नहीं पता कि ए बी और आर एस में क्या रिलेशन है, बस यहाँ पे हमने लिख दिया है कि आर एस क्या है, भाई है, और ए बी क्या है, बहने हैं। ए की बेटी आर की बहन है, कोई होगी बेटी मान लेते हैं एक्स, किसकी बहन है, आर की बहन है, ये क्या है, बहन है, मतलब माइनस साइन, फीमेल हो गया तो माइनस साइन, आर क्या है, प्लस है, जब आर प्लस है, आर की बहन एक्स हो गई, ठीक है, आर की बहन प्लस सॉरी एक्स हो गई, तो ये आर और एस क्या है, आपस में भाई हैं, यानी कि ये जो बेटी होगी वो एस की भी क्या होगी, बहन होगी।
अरे इसकी बहन होगी तो इसकी भी तो बहन होगी, आपके दो भाई हैं, आप राम और श्याम दो भाई हैं, राम की बहन मान लेते हैं कोई भी है, ठीक है, तो जो राम की बहन होगी वही तो श्याम की भी बहन होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक अकेले की बहन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में हम रिलेशंस की बात करते हैं, खून के रिश्तों की बात करते हैं, आस पड़ोसियों की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो इसकी बहन होगी वो इसकी भी बहन होगी। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बी का एस से क्या संबंध है, बी है एस से क्या संबंध है, बी पहले है एस बाद पे है। क्वेश्चन में देखिए बी का एस से संबंध पूछ रहा है, मतलब बी एस का क्या लगेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ए भी बहन हो गई, ठीक है, ये तो दोनों बहनें निकल गई। अब इसके बच्चे हैं, तो इसके बच्चे ये जो है बी, सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है बी क्या लगेगा, क्या लगेगी एस की, तो बी क्या है, आंटी लगेगी, मौसी ही तो लगेगी भाई, आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगेगी, आपकी माँ की बहन आपकी मौसी लगेगी, क्या होगा, आंटी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंटी क्या होगा इसका आंसर होगा।